हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप यहां पर मंथली 100 रुपए का SIP करके यहां पर लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए बना सकते हैं। ठीक है, केवल बातें नहीं करेंगे बल्कि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन भी देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपको कितने दिन, आपको कितने साल आपको इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि आप यहाँ पर करोड़ों का वेल्थ क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है वो आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं ये सभी के सभी ये आपके हाई रिस्क ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाई रिस्क ही बोला जाता है। ठीक है, सभी मान के चलते हैं कि सभी हाई रिस्क होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपने पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, उस बेस पर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको चेक कर लेना है, उसके बाद आपको खुद का रिसर्च करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्मॉल कैप के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये मैंने क्वाइन का वेब वर्जन ओपन किया हुआ है जो जीरोधा का मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जीरोधा में आप अपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। तो सेम आप लॉग इन क्रेडेंशियल से आप क्वाइन में भी, क्वाइन का मतलब है कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो काइट प्लेटफॉर्म है वहां से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि क्वाइन यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने म्यूचुअल फंड पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक्सप्लोर पर क्लिक किया, और यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इक्विटी पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर जाना है स्मॉल कैप पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर आपको मिल जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, या फिर सीधा आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड को सर्च कर लीजिएगा तो आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं इसका ग्राफ। तो देख सकते हैं कि ये सन 2014 से सन 2024 तक इसका जो ग्राफ है वो अप डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया हुआ था लेकिन फिर से ऊपर गया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा रिटर्न देगा क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो अपसाइड को है। ठीक है, तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो मोस्टली यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप यहाँ पर जो आपका होरिजन है, टाइम होरिजन केवल 1-2 साल का है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर होरिजन है 10 से 15 साल मिनिमम तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म की ही बात करते हैं, तभी आपको यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसने दिया हुआ है 1 साल का 59.93% है, काफी हाई है, काफी अच्छा दिया हुआ है। तो ये तो हो गया इस साल का, लेकिन मैं अगर पिछले 3 साल का देखूं तो देख सकते हैं कि पिछले 3 साल का भी इसने CAGR 35.04% है, मतलब काफी अच्छा है, 35% अच्छा खासा रिटर्न है। और पिछले 5 साल का देखूं तो ये लगभग यहाँ पर 30% है। ठीक है, तो ये पिछले 5 साल में जब ये 30% दे सकता है तो ये काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये 1 साल में इसने लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 59 लगभग 60% रिटर्न दिया हुआ है। तो पिछले 5 साल का हम देख लेते हैं तो यहाँ पर 29.94% रिटर्न दिया हुआ है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर किसी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये हमको देखना होता है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, 0.8% है और एग्जिट लोड है 1%। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये दिया हुआ है कि अगर आप 1 साल के पहले यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा, अगर आप उसके बाद करते हैं तो आपको निल, मतलब कि कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर जो फंड मैनेजर है मिस्टर समीर राज है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं लॉग इन पीरियड क्या है, NA, मतलब कि कोई भी लॉग इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं। अगर सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल में इनका 17.86% यहाँ पर दिया हुआ है, मटेरियल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप कंपनीज के नाम देखना चाहते हैं, स्टॉक्स के नाम, तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स के नाम भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये जो फंड है वो काफी अच्छा फंड है। ठीक है, हाई रिस्की और हाई रिवार्ड फंड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो तब भी आपको CAGR लगभग ऑलमोस्ट 30% का मिला हुआ है। अब चलिए इसी के कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग अपना फ्यूचर का प्रोडक्शन करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है SIP कैलकुलेटर। अब यहाँ पर SIP इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, SIP मंथली, मंथली में कितना 100 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो 100 रुपए तो आप बचा ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर SIP पीरियड हम अभी क्या ले लेते हैं,
20 साल ले लेते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो यहाँ पर हम लोग कितना ले लेते हैं, इसने हमारे जो फंड है उसने फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लगभग 5 साल का जो लॉन्ग टर्म का हम लेके चलते हैं तो कितना 30% का दिया हुआ, 29.94%। लेकिन अब हम मान लेते हैं कि गरीब हालत में ये कम से कम 25% रिटर्न तो देगा ही देगा, जबकि हमारे फंड ने कितना दिया हुआ है, 29.94% दिया हुआ है CAGR। तो हम यहाँ पर ज्यादा नहीं तो हम लोग यहाँ पर 25% कर लेते हैं कि 25% का रिटर्न हमको यहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ, तो यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए, केवल और केवल 24,000 रुपए आपका यहाँ पर इन्वेस्टेड रहेगा। और आपको कितना वेल्थ गेन होगा, तो 6,61,909 रुपए आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी बात होती है म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका काम करता है जब आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए उस बात को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि देख सकते हैं कि 20 साल में आपका जो इतना है वो कितना है, 6,61,000 है, ठीक है। टोटल मतलब टोटल वेल्थ कितना है, 6,85,000 के लगभग। अब चलिए मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आप 5 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं, तो देख सकते हैं कि पिछला कितना था, 6 लाख के लगभग था, लेकिन 6 लाख का तुरंत ही 5 साल में कितना हो गया, लगभग 4 गुना हो गया है आपका 5 साल में, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान चलते हैं कि आप 5 साल और ले लेते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना था, लगभग 23 लाख के लगभग था, 25 लाख भी मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना गुना आपका रिटर्न हो चुका है। तो ये क्या, जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर उसको अच्छा खासा टाइम देंगे तो आपका यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी तक आपने इन्वेस्ट कितना किया, केवल और केवल 36,000 रुपए, और आपको रिटर्न कितना मिला, 81,97,000 रुपए के लगभग, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि 5 साल आप और इन्वेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउ नहीं करता है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 साल तक अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लगभग 82 लाख रुपए, ठीक है। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ये आपका 25% भी हो सकता है, 26% भी हो सकता है। अगर आप इसने 26% रिटर्न दे दिया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1,05,83,000 रुपए के लगभग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप बोलेंगे कि हमको रिटर्न तो मिल रहा है इतना, लेकिन यहाँ पर टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 30 साल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप 100 ही रुपए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 ही रुपए आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप 30 साल में केवल और केवल 36,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो यहाँ पर जो अमाउंट है उसको आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मंथली का 1,000 रुपए कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वही उसी टाइम फ्रेम में आपका इतना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया है, देख सकते हैं कि 10 करोड़ के लगभग हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम 25% ही कर देते हैं कि 25% रिटर्न मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको केवल और केवल 22 साल में ही आप यहाँ पर करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ज्यादा नहीं तो 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये क्वाइन मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका वेब वर्जन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, या फिर एंजल वन से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके जाइएगा, इस फंड को सर्च करिएगा और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिएगा। तो ये आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, यहाँ पर फंड बताए हुए हैं जिनसे आप यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।